हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गीकी रे। और इस वीडियो में एक बार फिर से बात करते हैं कुछ वायलेंट एक्शन मूवीज के बारे में। इन मूवीज में ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेके फास्ट पेस्ड गन फाइट्स, ब्लडी सोर्ड फाइट्स और बिग एक्सप्लोजन्स भी होंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो एक्शन मूवीज के लिस्ट का पार्ट 5 है, तो लिस्ट के बाकी वीडियोस को मेरे एक्शन मूवीज के प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हो। और अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट की फर्स्ट मूवी एक मार्शल आर्ट्स एक्शन मूवी है। मूवी 19th सेंचुरी के चाइना में जंगल विलेज में सेट है, जहां गांव में लायन क्लैन का राज चलता है। लेकिन एक दिन लायन क्लैन के लीडर गोल्डन लायन को उनके ही ल्यूटेनेंट्स धोखा देकर मार देते हैं। और फिर गोल्डन लायन का सन एक्स ब्लेड अपने फादर का बदला लेने के लिए लायन क्लैन के नए लीडर से लड़ता है, लेकिन उसे एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर ब्रास बॉडी हरा देता है। फिर इस लड़ाई में एक आउटसाइडर की एंट्री होती है, जो एक साधारण सा ब्लैक स्मिथ है, लेकिन वो अपने ही बनाए हुए वेपन्स का यूज करके पूरे लायन क्लैन का अकेले ही सामना करता है। मूवी का नाम है द मैन विद द आयरन फिस्ट। और फ्रेंड्स, इस मूवी को मूवी के लीड एक्टर जो एक रैपर भी हैं रजा, उन्होंने लिखा और डायरेक्ट भी किया है। और फ्रेंड्स, ये मूवी एक्चुअली में क्लासिक चाइनीज शाओलिन कंग फू मूवीज पर एक ट्रिब्यूट है, क्योंकि इस मूवी के फाइट सीन्स और मूवी में जो दुनिया दिखाई गई है और मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही आउटलैंडिश हैं। लेकिन मूवी के फाइट सीन्स और कोरियोग्राफी काफी इंप्रेसिव हैं। मूवी के फाइट सीन्स काफी ब्रूटल और वायलेंट भी हैं। ओवरऑल द मैन विद द आयरन फिस्ट एक एंटरटेनिंग कंग फू मूवी है, जिसको आप ज्यादा सीरियसली ना लेकर फुल्ली एंजॉय कर सकते हो। ये मूवी जियो सिनेमा पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी एक बहुत ही यूनिक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी में एक US नेवी सील की टीम एक CIA ऑपरेटिव के साथ एक मिशन पर जाते हैं। उनका मिशन है एक प्रिजन से एक हाई वैल्यू प्रिजनर को रिट्रीव करना, क्योंकि उसके पास कुछ बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस मिशन के दौरान उस प्रिजन पर एक बहुत बड़ी मिलिशिया ग्रुप हमला कर देते हैं। मूवी का नाम है वन शॉट, जो 2021 में बनी है। और फ्रेंड्स, ये पूरी मूवी अपने नाम की तरह एक सिंगल कॉन्टिन्यूस टेक में शूट की गई है, जो मूवी को एक बहुत ही इमर्सिव और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बना देता है। और 90 मिनट्स की ये मूवी है, जिसके शुरू के 20 मिनट्स को छोड़ के बाकी पूरी मूवी एक लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस है। और मूवी में लीड रोल प्ले किया है स्कॉट एटकिंस ने, तो मूवी में कुछ बहुत ही कमाल के एक्शन सीन्स भी हैं। स्पेशली इस मूवी का एक नाइफ फाइट सीक्वेंस है, जो बहुत ही अच्छा है। मूवी काफी लो बजट में बनी है, तो इसकी प्रोडक्शन वैल्यू या फिर सिनेमाटोग्राफी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही यूनिक एक्शन मूवी है। वन शॉट करंटली कहीं स्ट्रीम तो नहीं कर रहा है, पर यूट्यूब पर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। और नेक्स्ट मूवी एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स एक्शन मूवी है। मूवी में हम एक यंग मार्शल आर्टिस्ट यूडा की कहानी देखते हैं, जो सुमात्रा में अपने छोटे से गांव से जकार्ता शहर में आता है काम के तलाश में। यूडा जकार्ता में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना चाहता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि सिटी लाइफ इतनी आसान नहीं है। और इसी बीच एक दिन यूडा की कुछ गुंडों के साथ लड़ाई हो जाती है, और यूडा उन गुंडों से एक लड़की की जान भी बचाता है। लेकिन फिर ये गुंडे, जो एक बहुत बड़े क्रिमिनल गैंग का हिस्सा है, वो यूडा के जान के पीछे पड़ जाते हैं। मूवी का नाम है मेरनताउ, जो 2009 में बनी एक इंडोनेशियन एक्शन मूवी है। और फ्रेंड्स, इस मूवी को रेड मूवीज के डायरेक्टर गेरेथ इवांस ने डायरेक्ट किया है, और ये मूवी गेरेथ इवांस और एक्शन स्टार इको वेस का फर्स्ट कोलैबोरेशन है। इस मूवी के सक्सेस के बाद ही रेड मूवीज बन पाई थी, और रेड मूवीज की तरह इस मूवी के फाइट सीन्स भी बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड है। साथ ही मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। अगर आप इको वेस के एक्शन के फैन हो और रेड मूवीज के भी फैन हो, तो इस मूवी को आप एक चांस जरूर दे सकते हो। मेरनताउ कहीं स्ट्रीम नहीं कर रहा है, पर यूट्यूब पर सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। और नेक्स्ट मूवी एक बहुत ही एंटरटेनिंग एक्शन पैक्ड साउथ कोरियन मूवी है। मूवी में हम गिल बॉक्सुन को देखते हैं, जो डबल लाइफ जीती है, जहां एक तरफ अपने टीनेज डॉटर के लिए वो एक सिंगल मदर है जो इवेंट मैनेजर का काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो कोरिया की सबसे लेजेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जो MK एंटरप्राइज के लिए काम करती है, और उसका सक्सेस रेट है बिल्कुल 100%। बॉक्सुन अपने दोनों ही लाइफ को बिल्कुल अलग रखती है, लेकिन जब बॉक्सुन को अपना नेक्स्ट मिशन मिलता है, जिस मिशन को बॉक्सुन कंप्लीट करना नहीं चाहती है, तब उसके खुद के कंपनी के लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। मूवी का नाम है किल बॉक्सुन। और फ्रेंड्स, ये 2023 में बनी एक बहुत ही एंटरटेनिंग एक्शन पैक्ड साउथ कोरियन मूवी है। सच में फ्रेंड्स, मूवी के एक्शन सीन्स और कैमरा वर्क बहुत ही इंप्रेसिव है। साथ ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही एंजॉयबल है। मूवी में लीड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, जिससे मूवी और भी ज्यादा एंजॉयबल बन जाता है। ओवरऑल किल बॉक्सुन एक बहुत ही एंटरटेनिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसमें कुछ बहुत ही इंप्रेसिव और यूनिक एक्शन सीक्वेंस है। किल बॉक्सुन को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी एक स्टार स्टडेड एक्शन कॉमेडी मूवी है। मूवी में हम एक अनलकी असैसिन को देखते हैं, जिसका कोड नेम है लेडीबग, और उसके नेक्स्ट मिशन में लेडीबग को एक ब्रीफकेस को रिट्रीव करने का मिशन मिलता है, जो एक बुलेट ट्रेन से टोक्यो से क्योटो जा रहा
रहा है। लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं है क्योंकि इस ट्रेन में दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स भी सवार हैं, जो इसी ब्रीफकेस को हथियाना चाहते हैं। मूवी का नाम है बुलेट ट्रेन, जो 2022 में बनी एक बहुत ही एंटरटेनिंग एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसको एटॉमिक ब्लॉन्ड और डेडपूल 2 के डायरेक्टर डेविड लीच ने डायरेक्ट किया है। और फ्रेंड्स, ये एक धमाकेदार एक्शन मूवी है। पूरी मूवी स्टार्स से भरा हुआ है, जिसमें ब्रैड पिट, एरन टेलर जॉनसन, ब्रायन टायरी हेनरी भी शामिल है। साथ ही मूवी में कुछ क्रेजी कैमियोज भी है। मूवी के एक्शन सीन्स भी बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड है और काफी एंटरटेनिंग भी है। मूवी का कॉन्सेप्ट हालांकि न्यू नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको डायरेक्टर ने बहुत ही ब्रिलियंटली प्रेजेंट भी किया है। फ्रेंड्स, ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी एक्शन मूवी है। बुलेट ट्रेन करंटली सभी लैंग्वेजेस में सोनी लिप पर अवेलेबल है। और लिस्ट के लास्ट में एक बहुत ही वायलेंट और ब्लडी रिवेंज एक्शन थ्रिलर मूवी की बात करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट ब्राइड को उसी के शादी के दिन उसका बॉस गोली मार देता है, और साथ ही शादी में आए सभी लोगों को भी मार दिया जाता है। लेकिन ब्राइड फिर भी नहीं मरती है, लेकिन वो कोमा में चली जाती है। और 4 साल बाद कोमा से निकलने के बाद ब्राइड अपना बदला लेने के लिए लौट आती है। ये ब्राइड एक बहुत ही डेडली असैसिन स्क्वाड की मेंबर है, और उसका नेक्स्ट टारगेट है उसी के ग्रुप के दूसरे असैसिन और उसका बॉस, जिसका नाम है बिल। मूवी है किल बिल, जिसको क्विंटिन टैरेंटिनो ने बनाया है, और ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट रिवेंज थ्रिलर मूवी ऑफ ऑल टाइम है। सच में फ्रेंड्स, ये मूवी 20 साल पुरानी है, पर इसके एक्शन सीन्स, सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक आज भी बहुत ही यूनिक और इम्प्रेसिव लगते हैं। मूवी में बहुत सारे वायलेंट और ब्लडी एक्शन सीक्वेंसेस हैं, लेकिन वॉल्यूम 1 के एंड का फाइट सीन ब्राइड वर्सेस क्रेजी 88 सबसे बेहतरीन और ब्लडी है। मूवी में एक्शन सीन्स में डिफरेंट कलर का यूज बहुत ही इम्प्रेसिव है, और ये मूवी एक्चुअली में ओल्ड मार्शल आर्ट्स मूवीज, सामुराई मूवीज और स्पेगेटी वेस्टर्न मूवीज के ऊपर क्विंटिन टैरेंटिनो का एक ओमाज है। इवन फ्रेंड्स, इस मूवी का एक बहुत ही पॉपुलर सीक्वेंस कमल हसन के अलावंदन या फिर हिंदी में अभय मूवी के एक एनिमेटेड सीक्वेंस से इंस्पायर्ड है। मूवी की पूरी स्टोरी 2 वॉल्यूम्स में है। किल बिल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को आप प्राइम वीडियो पर इंग्लिश लैंग्वेज में और यूट्यूब पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। इन मूवीज में से आपकी फेवरेट एक्शन मूवी कौन सी है, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।